बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अल्लाह ताला की रहमत, करम और फजल के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, शुक्रिया। तो सबसे पहले अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं जी। दो दिन पहले मस्कत में जो समुंदरी तूफान आया था उसके लिए हम दुआ गो हैं जी। अल्लाह पाक ओमान को और जितने भी ओमान के जो शहर हैं इनको अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे, क्योंकि मस्कत में जो है काफ़ी समुंदरी तूफान जो है ना काफ़ी नुकसान कर गया। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला ओमान को, मस्कत को और जितने भी मस्कत ओमान के जो शहर हैं उन सबको हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन। तो यही तकरीबन दो साल पहले जैसे ये सलाला में आया था, इससे भी बड़ा वो मस्कत में आया था समुंदरी तूफान। आई थिंक टू ईयर बिफोर जो है वो आया था सलाला में, दो साल पहले की बात है, रमज़ान का महीना था आई थिंक। तो सेम जो हमारे रूम की जो छतें हैं रूम में सभी सब कुछ जो वो एकदम जो है ना पूरा पानी पूरा यानी सब कुछ ख़त्म हो गया था। हम तकरीबन एक हफ़्ता या दो हफ़्ता मस्जिद में जाके सोए थे, वहाँ जा के रहते थे। तो सेम जो है वो हालत जो है वो मस्कत में दोस्त वगैरह रहते हैं वहाँ पे, उन्होंने बताई है कि हमारे रूम की जो छतें हैं पूरा रूम के अंदर पानी हो गया है। तो बस यही है कि अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला जो है ईमान को अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे और जितने भी ओमान के अंदर काम करें। जारी सी बात है जी, हम ओमान में अपने जो रिज़्क कमाने के लिए आए हैं, तो हम भी दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक जो ओमान को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। क्योंकि जारी बात है जी, हम जिधर यहाँ रहते हैं जी, हमारा भी हक बनता है जी, हम चाहे पाकिस्तानी हैं, चाहे बंगाली हैं, चाहे इंडियन है, सब यही दुआ करें जी अल्लाह पाक जो है वो ईमान को हमेशा जो है खुश साफ सुथराई रखे। और जितनी भी ये जारी बात अल्लाह पाक की ये जो है आफतें हैं तो इनसे तो निपट तो कोई नहीं सकता, लेकिन फिर भी जो है दुआ के ज़रिए अल्लाह से यही दुआ करते हैं जी अल्लाह पाक हम सबको अपनी ईमान में रखे, आमीन आमीन आमीन। यकीन करें दुकान के अंदर भी जो है तकरीबन एक एक फुट दो दो फुट जो है ना वो पानी खड़ा हो गया था, ठीक है, दो दो फुट पानी चला गया था और तकरीबन एक एक फुट जो है ना वो मिट्टी अंदर दुकान के अंदर चली गई थी। तो क्योंकि समुद्री जो तूफ़ान है जारी बात ये तो बहुत बड़ा, इसके आगे तो इंसान जो है वो बिल्कुल एक नॉर्मल सी चीज़ है। तो बस यही है कि अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आज आई थिंक सुबह तो नहीं, शाम को 4 बजे से 5 बजे से लेके और अभी तक जो है वो व्हाट्सअप ईमो और जो है अनदर जो सोशल मीडिया आई थिंक टिकटॉक भी होगा और फेसबुक ये सब का जो नेटवर्क काफ़ी जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है, नहीं चल रहा है। तो अभी पता नहीं अभी क्या प्रॉब्लम है और अभी थोड़ी देर के बाद नंबर पे कॉल आएगी। हाँ मांडू चिकू दयांग ये बोलने ये सुनने को मिलेगा, क्योंकि एक बंदा जो है वो नंबर पे कॉल कर रहा होगा, क्योंकि व्हाट्सएप में और फेसबुक में जो है वो नहीं चल रहा ना, इसलिए तो थोड़ी देर के बाद तकरीबन अभी 10:30 हो गए हैं, ठीक है 10:30 हो गए हैं, तो आधे घंटे के बाद अभी कॉल आएगी और बोलेगा कि आपका व्हाट्सएप क्यों नहीं चल रहा, आपका फेसबुक क्यों नहीं चल रहा। अभी उसको नहीं उसको नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम है। तो ये व्लॉग देखना और देखने के बाद आप बताना कि आपका भी व्हाट्सएप क्यों नहीं चल रहा था और फेसबुक क्यों नहीं चल रही थी।
सी 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 सी, ये बंदा है जो जिसने मेरे को पूछना है। सी 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 यानी उसके नाम से सी सी शुरू होता है, तो जिसका नाम सी से शुरू हो रहा है वो कल ज़रूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और क्योंकि वो ये बोलने में थोड़ा मैं झिझक रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी जो है वो फैमिली मेंबर भी जो है वो भी वो लोग देखते हैं, तो इसलिए इतना ही बहुत काफ़ी है कि सी सी वाला जो बंदा है वो ज़रूर कल मुझे पूछेगा। कल तो नहीं, आज रात को 11 बजे पूछेगा, जी आपका व्हाट्सएप फेसबुक क्यों नहीं चल रहा। तो अभी उसको भी पता चल जाएगा व्लॉग में कि व्हाट्सएप और फेसबुक ईमो वगैरह क्यों नहीं चल रही। मैं बाहर बैठ के व्लॉग बना रहा था, वीडियो शूट कर रहा था, जी अंदर से करा यहाँ पे, उन्होंने बोला जी हमारी वीडियो बनाओ, मैं जो सुबह का नाश्ता के लिए जो वो आटा और पेड़े वगैरह कर रहा हूँ, तो मेरी जो प्लीज़ लाजमी वीडियो बनाओ। मैं बोला चलिए ठीक है जी, आज का व्लॉग जो है वो आटा कैसे सुबह का पेड़े कैसे कर रहे हैं और सुबह का नाश्ता ये कैसे तैयार करते हैं वो दिखाते हैं। पहले एक भाई ने बोला जी मेरी वीडियो बनाओ, फिर बाद में दूसरा भाई बोला जी मैं, क्योंकि उसका काम नहीं, उसका काम दूसरा है और वेटरिंग का काम है, तो उसने बोला जी साथ में मेरी वीडियो भी आनी चाहिए, इतना शौक है जी उनको मेरे व्लॉग में आने का, क्योंकि वो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो वो कहते हैं जी हमारे जो है उन्होंने भी सब्सक्राइबर जो है वो दिए हैं मुझे, कोई फ्रेंड वगैरह कोई दोस्त वगैरह हैं उनके, तो वो चाहते हैं जी हम आपकी वीडियो में आपके यूट्यूब चैनल से जो है वो हमारे जो है दोस्त वगैरह वो देखें जी हम कहाँ पे काम कर रहे हैं और कैसे काम कर रहे हैं वो प्लीज़ आप दिखाएं अपने चैनल के थ्रू। तो इसलिए उन्होंने बोला जी आप ज़रूर हमारी वीडियो जो है वो शूट करना, तो इसलिए जी अभी चलते हैं अंदर और दिखाते हैं जी वो कैसे काम कर रहे हैं और ये कैसे सुबह पराठे, तो खैर सुबह लगनी है, लेकिन जो पराठों का जो सामान वगैरह है वो अभी से रेडी कर रहे हैं, तो इसलिए दिखाते हैं जी आपको पराठों का तैयारी कैसे होती है। लो जी लो जी, थानू बेच लिया दरीस भाई हैं जी, आटा 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 गूंद रहे हैं, और आटा सुबह उसका आटा बना रहे हैं। ये सुबह के लिए जी नाश्ता तैयार हो रहा है हमारे उस्ताद, क्या नाम है, नाम फिर भूल गया हूँ, अदरीस भाई फ्रॉम मंडी बावल जी। खैर जी वीडियो शूट हो गई है, इंशाल्लाह सुबह आपको मिलेगा यही ब्लॉग, और आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको दोनों आपको हमेशा खुश रखे, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह।